मॉर्निंग बच्चों, कैसे ठीक हो? चलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के थोड़े कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, ना तो डेरिवेशन किए ना ज्यादा क्वेश्चन किए हैं। तो जो श्योर शॉट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं ताकि चैप्टर में थोड़ी कमांड आ जाए। और वैसे भी थ्योरी पढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, हालांकि थ्योरी जरूरी है, क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी तो जरूरी है, लेकिन थ्योरी बस से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कोई भी बुक उठा लीजिए या फिर आपके पास जो DPP है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए थोड़े क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ना मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, वैसे समझ लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, ये है एक ग्लास स्लैब है, जिसका ग्लास स्लैब नहीं है, कुछ भी स्लैब है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स न्यू है, और इसका वेट कितना है, 15 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक एयर बबल है, क्या है, एयर बबल है। इसको हम लोग एक सरफेस की साइड से देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आँख लगा के आप देखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कहाँ पे दिखता है, 4.5 सेंटीमीटर पे अपीयर होता है। और अगर आप इधर से आंख लगा के देखते हैं दूसरे साइड से, तो ये आपको कहाँ पे दिखता है बच्चे, 5 सेंटीमीटर पे दिखता है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए कुछ भी नहीं, अपरेंट डेप्थ निकाल के दोनों तरफ से कंपेयर कर देना। तो अपरेंट जैसे मान लीजिए कि अब ये एयर बबल हमको नहीं पता है कि सेंटर पे है, 15 सेंटीमीटर पे है ना, हमको नहीं पता है कि कहाँ पर है, दो सेंटर पे है, किधर है। तो सेंटर पे तो बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि अलग अलग साइड से देखने पे अलग अलग डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि सर यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो इधर से कितना दिखेगा, 15-6 एक्स सेंटीमीटर पे रहेगा। तो हम यहाँ पे अपरेंट डेप्थ कितनी है, 4.5, मतलब एक्स बाई म्यू इक्वल टू 4.5। तो ये हो गया आपके पास एक्स इक्वल टू 9/2, लिख सकते हैं इसको 9/2 म्यू। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब उधर से देखें तो 15-x बाई म्यू इक्वल टू ये मिल जाएगा आपके पास कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 15-x इक्वल टू 5 म्यू, तो 15-x की वैल्यू कितना, 9/2 म्यू एंड बराबर 5 ना, 5 म्यू। तो 15 इक्वल टू 5 म्यू एंड प्लस 4.5 म्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास 15/9.5 इक्वल टू म्यू इक्वल टू 150/95। तो 519 जा एंड 530 जा, तो हो जाएगा 30/19। तो ये कितना आएगा, 1.6 के आसपास आएगा, मतलब अगर ये 20 होता तो कितना आता, 1.5 आता। तो ठीक है, इसके आसपास वैल्यू क्योंकि आएगी, तो आई होप आपको क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चल आगे देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, तुमको स्क्रीन पॉज करके पहले सॉल्व करना है, देन सॉल्यूशन देखना है, या फिर जो तुम्हारी मर्जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक बीकर है जिसमें ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3 होता है, ठीक। ये कहाँ तक भरा हुआ है सर, 40 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है इसके बॉटम में, ठीक है, और इसके वाटर लेवल से 15 सेंटीमीटर हाइट पे क्या रखा हुआ है, एक कंकेव मिरर रखा हुआ है जिसका पोल 15 सेंटीमीटर पे यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि इफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम वाटर लेवल, फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ MIRR मिरर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ आ गया हमको, क्या है सर, इसमें पानी भर दिया है, ये बीकर है, बीकर समझता है, बीकर समझता है, तो बीकर ही है, बीकर में क्या है, बीकर में क्या है, पानी है, पानी मतलब वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 4/3, कितनी है इधर भरा हुआ, 40 सेंटीमीटर,
वाटर लेवल से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, जो फाइनल इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ बॉटम में, इसका कहां बन रहा है, यहां से देखेगा तो नीचे 16 सेंटीमीटर पे बन रहा है ना। ये बोल रहा है कि इसका फोकल लेंथ निकल गया, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया तो फोकल लेंथ निकल जाएगी है ना। ये देखते हैं क्या है, बताओगे या फिर आप इसमें मिरर फार्मूला निकाल लीजिए, तो मिरर फार्मूला लगा देंगे, तो मिरर फार्मूला लगाएंगे तो यू और वी निकाल लो, वहां से एफ निकल जाएगा। ठीक, आओ सॉल्व करते, पहले तुम खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, कसम है तुमको, किसकी कसम, दो किसका भी नहीं देते, तुम देख लो क्या है। तो सोल्यूशन आपके पास क्या है, ऐसा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ऊपर उठ के दिखेगा ना वे, कितना ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा अगर हम U की डायरेक्टली बात करें तो 15 सेंटीमीटर और प्लस यहां से जितना ऊपर उठा दिखेगा कितना 40 बाई म्यू, तो 15 प्लस 40 बाई म्यू बराबर 15 प्लस 40 बाई म्यू कितना है 4/3 ऊपर जाएगा ये 10 जा तो 15 और प्लस 30 बोले तो 45 सेंटीमीटर आपका U हो गया। ओह बहुत बढ़िया, फिर ये जो इमेज बन रही है ना, तो यहाँ कहाँ पे बन रही है 16 सेंटीमीटर पे बन रही, तो इमेज भी इसको कैसा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो V कितना हो जाएगा बेटा 15, यहाँ से काउंट करेगा ना इसके पोल से, तो 15 और प्लस 16 बाई म्यू तो 4/3, 3 जाएगा ऊपर 4 जा तो जाएगा 15 प्लस 12 5 2 7 हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी, तो यू वी अपान यू प्लस वी दोनों एक ही तरफ है ना, तो सेम साइन लेंगे, U और V क्या है मिरर के एक ही तरफ है ना, तो U और V का साइन क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 45 into 27 अपान 45 और प्लस 27 7 5 12 4 2 6 1 7 72, तो 45 into 27 अपान 72 तो 9 8 जा और 9 3 जा है ना, तो फोकल लेंथ बराबर हो जाएगी 3 5 15 12 13 और अपान कितना 8 तो 8 2 8 1 जा और 7 जा तो 16.9 सेंटीमीटर के आसपास वैल्यू आएगी। दिस इज ऑल ऑफ द आंसर। नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक बीकर है जो एच हाइट तक 4/3 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड दैट इज वाटर से भरा हुआ है और एक आई आप यहाँ पे h/2 हाइट पे रख के इसको देख रहे हैं और इसका जो बॉटम है वो क्या है प्लेन मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है सरफेस से कितना नीचे है h/3। एक बीकर है जिसका बॉटम क्या है प्लेन मिरर है, उसको 4/3 वाटर से 4/3 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड दैट इज वाटर से इसको भर दिया है, इसका हाइट कहाँ तक भरा हुआ है h तक, h/2 हाइट पे हमने आई लगाई हुई है और इसको देख रहे हैं, तो ये पूछ रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो फाइनल इमेज प्रोड्यूस कहाँ होगा वो देखेंगे। आइए हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर ये क्या है प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर अगर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा नीचे बनेगा, उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, क्योंकि जो मीडियम है रिफ्लेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ मीडियम रिफ्लेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये हाइट जो है वो कितनी है h-h/3 मतलब 2h/3, तो नीचे भी आपके पास जो इमेज बनेगा वो डैश मान लेते हैं तो 2h/3 पे आपका इमेज बन गया। अब ये भाई साहब देखेंगे इसको ऑपरेंड, तो ऑपरेंड कितना होगा, तो यहाँ से कितना डेप्थ पे है ये, यहाँ से है आपके पास ये डेप्थ पे ये है आपके पास डेप्थ कितनी है h/h+2h/3 ये 5h/3 डेप्थ पे है, तो 5h/3 डेप्थ पे है तो अपरेंट कितनी होगी, अपरेंट हो जाएगी आपके पास 5h/3 × 4/3 दैट इज म्यू है ना, तो 3 से 3 कैंसिल तो कितना आया 5h/4, तो ये यहाँ से नीचे कहाँ दिखेगा ये 5h/4, तो आई कितना हाइट फ्रॉम द आई पूछ रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द आई हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ इमेज फ्रॉम आई
तो 5h by 4 और प्लस 2h by 4 लिख सकते हैं h by 2 को, तो कितना हो जाएगा 7h by 4 एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। आई होप आपको क्लियर। इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ बच्चे, अगर ये मिरर नहीं होता ये ऑब्जेक्ट कितना h by 3 अपान म्यू हो जाता, वो आई को दिखता। अब यहाँ पर प्लेन मिरर है तो पहले इसका इमेज नीचे बना और ये इमेज क्या हो गया, इस इमेज का अपरेंट डेप्थ लेना है और h by 2 से ऐड कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझे? आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जी आपके पास एक कंक्यूव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है 110 सेंटीमीटर पे और फिर इसके पीछे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर ऐसा रखा हुआ है कितना डिग्री पे, 45 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 45 डिग्री पे, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कहाँ पे आ रहा है 890 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मिरर कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट से 890 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द फाइनल इमेज, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक। तो हमारे पास बच्चे ये आपके पास कितना रखा है u बराबर 110 सेंटीमीटर है यहाँ से एंड आपके पास फोकल लेंथ है। तो पहले अगर मिरर नहीं होता तो हम इमेज निकाल लेते हैं, तो v बराबर कितना हो जाएगा uf अपॉन u माइनस f। फोकल लेंथ भी निगेटिव है, u भी निगेटिव है क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, इधर लेफ्ट में है। तो v इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस 110 इंटू माइनस 100 अपॉन माइनस 110 और प्लस 100। तो v इक्वल हो जाएगा 110 इंटू 100 और अपॉन माइनस 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू आपको मिलेगा 1100 मिलेगा क्या 1100, वो भी माइनस में 1100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो रहा है 1000, ये हो रहा है 1000 और यहाँ से आएगा 1100 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ से कितना सेंटीमीटर पे बनेगा इसका 100 सेंटीमीटर पे ये इमेज बन गए। अब ये इमेज जो है इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है तो इसका भी इमेज परपेंडिकुलरली इधर बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका इमेज, फाइनल इमेज बनेगा। तो ये कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर है और ये एंगल अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ये भी कितना होगा 100 सेंटीमीटर। तो हालांकि वो निकालने नहीं है, जरूरत ही नहीं है, यहाँ से डिस्टेंस देखेगा तो कहाँ पे बन रहा है वहीं पे बन रहा, मतलब 1000 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड एट इंटरसेक्शन एट पोल ऑफ प्लेन मिरर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है और रे इंसिडेंट होती है और सिमेट्रिकली रिफ्रैक्शन होता है, सिमेट्रिकल रिफ्रैक्शन होता है। सिमेट्रिकल रिफ्रैक्शन मतलब डेविएशन बहुत कम है, ये बेस वाला लाइन और ये पैरेलल है। क्या है, एक प्रिज्म है जिसका, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका बेस एक प्लेन मिरर पे रखा गया है, रे इंसिडेंट होती है और यहाँ से ये ऐसे ये हो जा रही है, ठीक है। और हमारे पास म्यू इक्वल टू कितना है अंडर रूट टू है, म्यू इक्वल टू कितना है प्रिज्म का अंडर रूट टू है और ये सिमेट्रिकल रिफ्रैक्शन होके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। क्वेश्चन क्या है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे का प्लेन मिरर पे एक इक्विलेटरल प्रिज्म रखा गया है, रे का इंसिडेंस होती है, सिमेट्रिकल इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्शन भी वैसे ही आपका होता है और म्यू बराबर रूट टू दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द टोटल डेविएशन ऑफ द लाइट, तो लाइट ऐसे जानी थी तो डेविएट होके ऐसे गई फिर ऐसे जा रही, तो यहाँ भी डेविएशन हुआ है। तो जो नेट डेविएशन होगा वो होगा आपके पास डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, या फिर यहीं से समझ लीजिए कि डेविएशन यहाँ पे कैसा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर यहाँ जैसे डेविएशन ऐसा, सॉरी डेविएशन ऐसे ही जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नीचे आया तो डेविएशन कैसा हुआ क्लॉकवाइज, फिर ये नीचे जाना चाहिए था तो डेविएशन कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में डेविएशन है। तो डेल्टा जो होगा नेट वो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू होगा, एकदम क्लियर है ना, ठीक। तो हमको डेल्टा वन डेल्टा टू लिखना है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में केवल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लगना है, बाकी कुछ भी नहीं लगना है। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि म्यू बराबर वन बाई
सॉरी अंडर रूट टू है, तो आपके पास हो जाएगा साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। अगर साइन आर की बात करेंगे, आर यहाँ पर है तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि समेट्रिकल रिफ्लेक्शन होगा तो 30 हो जाएगा, तो समेट्रिकल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये एंगल में कितना होगा 60, तो ये भी कितना होगा 30 हो जाएगा। तो आपके पास साइन आई है, तो आई साइन आई की हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन आई कितना हो जाएगा 1/√2 × sin 30। तो साइन 30 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो साइन 30, तो साइन 30 कितना आ जाएगा बताओ, साइन 30 होता है 1/2, तो साइन 30 हो जाएगा अंडर रूट टू, तो साइन आई इक्वल टू रूट टू इंटू 1/2, जो हो जाएगा 1/√2, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, आई इक्वल टू कितना होगा 45। नहीं है समझ, हमने स्नेल्स लॉ लगाया है, ये एयर है तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, तो म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2 कल ही पढ़ाया है, तो 1 इंटू साइन आई बराबर क्यू इंटू साइन आर, तो साइन आई इक्वल टू रूट टू इंटू साइन 30, तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा रूट टू, म्यू का वैल्यू है और ये कितना 1/2, साइन 30 का वैल्यू है तो कितना होगा 1/√2, तो साइन थीटा साइन कितने का वैल्यू 1/√2 होता है 45 का, तो आई कितना हो जाएगा 45, सिमेट्रिकल इंसिडेंस हो रहा है तो ये भी एंगल भी कितना हो जाएगा 45 भी रहेगा, ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना है 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये नॉर्मल है, मान लीजिए आपका ऐसा नॉर्मल है मिरर पे, तो ये हो जाएगा 12 6 18, तो 15 डिग्री हो जाएगा ये, तो 15 ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, अरे नहीं आ रहा है, ये भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको डेविएशन डेल्टा 2 मिलेगा, तो डेल्टा 2 कितना है वो चेक कर लेते हैं। आइए, तो इसमें से क्या करना है 180 - 150 = δ2, आई होप क्लियर, ये पूरा कितना है 180, उसमें से क्या निकालना है 150, तो कितना हो जाएगा δ2, तो δ2 बराबर कितना आ गया 30, ठीक है, और ये भी कैसा है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब ये हो गया δ2, δ1 निकालना है, तो δ1 इक्वल टू हो जाएगा 2i - a, तो जाएगा 2i कितना है आपके पास 45, तो हो जाएगा 90, a कितना है 60, δ1 इक्वल टू कितना 30, तो δ1 भी कितना हो गया 30, तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 - 30, तो कितना हो जाएगा 0, एंड दिस इज आंसर, समझे। तो क्वेश्चन में ऐसे देखने से बहुत बड़ा सा डायग्राम है और ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल कहानी है, स्नेल्स लॉ लगाया है, आई का वैल्यू निकाला है और ये ज्योमेट्री था, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक। चलिए सिंपल है, एक स्फीयर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना म्यू है, ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, इसके अंदर एक एयर बबल है कहीं पर, ठीक है, ये बोल रहे हैं इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये बोल रहे हैं कि अगर नियर साइड, बबल बीच में नहीं है, इधर है या उधर है, इधर हमने नियर साइड माना, तो नियर साइड से देखता है तो कहाँ पे दिखता है 5 सेंटीमीटर पे, तो अगर फार्थेस्ट साइड ऑफ सर्फेस से देखेगा तो कितना डिस्टेंस पे दिखेगा, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट स्फीयर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है, एक एयर बबल इसके अंदर है, नियर इधर है तो इधर से देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर पे दिखता है, इधर से देखेंगे तो कितना सेंटीमीटर पे दिखेगा, ठीक। तो हमको क्या बताना है, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर अपरेंट फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या है, ये फ्लैट सर्फेस नहीं है, कैसा है, कर्व सर्फेस है, तो कर्व सर्फेस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिफ्लेक्शन, कर्व सर्फेस में क्या फॉर्मूला लगेगा, रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला क्या था आपके पास, μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, आई होप आपको क्लियर है, यहाँ पर फ्लैट सर्फेस नहीं है इसलिए यहाँ पर अपरेंट डेप्थ या अपरेंट हाइट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन किया ना ऐसे स्लैब वाले की, इधर से देखते तो 4.5 पे, उधर से देखते तो 5 सेंटीमीटर, तो बताओ उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, ये क्वेश्चन किया था, तो हमने क्या किया, हमने अपरेंट डेप्थ का फार्मूला लगाया, लेकिन ये स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट नहीं है, कैसा है, कर्व है, तो कर्व सरफेस के लिए हम लोग अपरेंट डेप्थ वाले फार्मूले नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे तो रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला यूज करें, तो रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला होता है
म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई आप यहाँ पे कहानी कैसी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसमें है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि म्यू टू बराबर कितना है, टू है, एयर में आ रहा है, म्यू वन कितना ये है, यू बराबर आप मान लो कि सर यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक्स पे रखा हुआ है, यू बराबर प्लस एक्स ले ले, आर कितना है राइट में है, तो कितना है आपका प्लस आर मतलब 20 ले ले, और वी बराबर कितना 5 ही ले ले, अंदर ही दिखेगा ना, ठीक, तो आप लगा दो फार्मूला, कितना आंसर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, तो म्यू टू कितना है 2/5 माइनस 1/x इक्वल टू 2/1/20, तो जाएगा 2/5 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/x है ना, तो भाई साहब इसको 8/20 लिख दो, ठीक है 8/20 तो कितना आ जाएगा 7/20 इक्वल टू 1/x, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ का 1/20 2/5 1/x तो 2/20 ये है 2/5 इक्वल टू 1/-1/20 इक्वल टू 1/x, ठीक है ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा ये आपको मिलेगा बेटा 8-1/20 इक्वल टू 1/x, एक्स इक्वल टू 20/7, तो आपको मिल गया एक्स इक्वल टू 20/7 मिला, ठीक है सर, एक्स इक्वल टू हमको कितना मिल गया 20/7, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये है कितना है ये 40, तो ये हो जाएगा 40-20/7, तो अब यहाँ पे आंख लगाओ फैक्टर से, तो u बराबर तुम्हारे पास कितना है, इतना है, v तुमको निकालना है, ठीक है, और r तुमको 20 है, तो चलो फिर क्या करो, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा दो, ये मैं मिटाऊंगा, आओ, तो अब हम यहाँ देखेंगे सर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 180-, ठीक है 280-20, तो 260/7, तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट में है तो लिख दे -260/7, और आपके पास r बराबर कितना -20, म्यू टू बराबर कितना 1, म्यू वन बराबर कितना 2, हो गया हो जाएगा म्यू टू बाई v, अब ये तो हमने गलत किया ना, फिर हमने क्या गलत किया था, हो जाएगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, तो म्यू वन पहले कितना था 2 था, म्यू टू कितना था 1 था, ठीक है ऐसा हो जाएगा 1/5-2/x इक्वल टू 1-2/20, 1/5-2/x इक्वल टू -1/20, 1/5+1/20 इक्वल टू 2/x, तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 5/20, 5×4 इक्वल टू 2/x, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1, पहले वाला जो किया था वो गलत था, उसको हटा लेना, ठीक है ना, कौन उसको ये करेगा, तो x इक्वल टू इतना नहीं आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है बेटा, x इक्वल टू कितना आ रहा है 8 आ रहा है, x इक्वल टू आएगा कितना 8, ये कितना हो जाएगा 40-8, तो यहाँ से कितना लिखेगा 32 पे, ठीक, तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाया तो x इक्वल टू 8 आया है, तो इधर से कितना हो जाएगा 32 पे, तो अब इस आई के लिए ये पोल है, ये सरफेस है, तो ये पोल है, और ये पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 32, अब चलो इस सरफेस पे हम लगा रहे हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला, आइए, तो अब यहां से हम रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे, u इक्वल टू कितना -32, r इक्वल टू कितना -20, लेफ्ट में है ना बे, ठीक है, म्यू वन इक्वल टू कितना आपके पास है, रे रे इधर से जाएगी, तो म्यू वन इधर कितना है 2 है, और म्यू टू कितना है आपके पास 1 है, तो यहाँ से निकाल ले, तो हो जाएगा 1/v-2/32 बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, 1-2 और अपान कितना -20, तो 1/v-2/
तो d2 इक्वल टू माइनस वन माइनस वन ट्वेंटी कितना हो जाएगा 1/20, तो जाएगा 1/v बराबर 1/20 माइनस 2/32, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1/16, तो LCM निकाल ले यहाँ से, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 160, ये होगा 8 माइनस 10 और अपान 160, 1/v बराबर माइनस 2/160, v बराबर माइनस 80 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक दिखेगा, मतलब कहाँ पे दिखेगा 80 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे कहाँ दिखेगा 40 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर है। ठीक, क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, रिफ्लेक्शन फार्मूला दोनों सरफेस में लगा देना था तो सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रखना u1 u2 कहाँ पे है, u1 कहाँ पे है इसका है 2 है, u2 कहाँ पे है 1 है, u1 कहाँ पे है 2 है, क्यों, क्योंकि दोनों बार इंसिडेंट रे स्फीयर के अंदर से बाहर हो रही है, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे है वो म्यू वन है, जिधर पे रिफ्रेक्शन हो रहा है वो क्या है म्यू टू है, तो तुम लोग इसको सॉल्व कर लेगा इससे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, एक लाइट रे है एक कंकेव मिरर पे पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो आपको एंगल कितना है थीटा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है या नॉर्मल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट लाइट रे पासेस थ्रू द पोल ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, केवल ज्योमेट्री लगेगी और ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या है बच्चे, अगर हम देखें अगर ये थीटा पे इंसिडेंट हो रही तो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होगा, थीटा भी थीटा ही होगा, और ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन सेम है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा ही होगा, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल होगा, तो थ्री थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, एकदम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये कैसा कंकेव मिरर है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा है, ठीक है, और मिरर भी कितना 1 मीटर पर सेकंड से राइट में भाग रहा है, ये बोल रहे हैं कि फाइंड आउट स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज का स्पीड कितना होगा, अगर ये रेस में होता तो इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड काउंट होता, लेकिन ये रेस में नहीं है, अगर ये रेस में नहीं है तो इसका स्पीड कितना काउंट होगा 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड, तो वी ऑब्जेक्ट कितना है, वी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है 11 मीटर पर सेकंड, तो वी इमेज कितना हो जाएगा, वी इमेज हो जाएगा एम स्क्वायर वी नॉट, चूंकि हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल होगा तो एम वी नॉट लेते, एम वी ऑब्जेक्ट लेते, अब वी ये पैरेलल है तो वी एम स्क्वायर वी ऑब्जेक्ट लेंगे, तो एम स्क्वायर निकालना है, तो मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है वी बाई यू, तो वी हमको पता नहीं है तो यू पता है एफ पता है तो वी निकाल दे, तो वी बराबर कितना यू एफ अपान यू माइनस एफ, तो वी बराबर यू कितना है -15, एफ कितना -10, तो -15 -10 अपान -15 और +10 तो कितना 150 और अपान कितना 5 तो कितना हो जाएगा -30, तो वी बराबर -30 हो गया, एम बराबर कितना हो जाएगा वी बाई यू, दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से वी बाई यू बोले तो 30/10, 30/15 कितना हो जाएगा 2, तो मैग्निफिकेशन 2 आ गया, तो वी इमेज कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर × 11 कितना हो जाएगा 44 मीटर पर सेकंड, तो 44 मीटर पर सेकंड कब आ रहा है जब ये रेस्ट में हो, तो आपके पास ये कैसे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो जो फिर आई फाइनल जो आएगा तो कितना आएगा 44 और +1 तो कितना हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपके पास एक ग्लास स्लैब है, मतलब थिक मिरर है, कल हमने इसी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिश किया गया है, ठीक है, इसका थिकनेस कितना है 6 सेंटीमीटर है, एंड म्यू बराबर कितना है 1.5 है, और यहाँ से इस सरफेस से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पे
28 सेंटीमीटर पे, ये बोल रहे हैं कि यहाँ से इमेज, यहाँ पॉलिश सरफेस से इमेज कितना दूर बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि सर ये क्या करेगा, इस सरफेस के रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो पॉलिश सरफेस है ये आपको यहाँ दिखेगी, तो यहाँ दिखेगी तो कितना दिखेगी, तो चलिए यहाँ दिखेगी 6/μ दिखेगी, तो 6/1.5 तो कितना दिखेगी, 4 सेंटीमीटर यहाँ दिखेगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ से कहाँ बनेगा इमेज आपके पास, यहाँ से बनेगा 32 पे ही बनेगा, तो आपको यहाँ से बताना है, तो 32 तो ये कितना बचा है 2, तो 32-2 कितना हो जाएगा 30, तो 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, तो रखते हैं कहाँ पे 28 पे, तो मिलेगा कहाँ पे 30 पे, समझे, आई होप आपको क्लियर। तो बच्चों ने मैक्सिमम क्वेश्चन ले लिए है, प्रिज्म के थोड़े कम क्वेश्चन लिए, तो प्रिज्म के आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कंपेयर करें तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वेराइटी बहुत बनती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा क्या देने ध्यान ही देना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन तो हर जगह से आने, तो किसी भी चैप्टर को आप इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हो, किसी चैप्टर को वेटेज भी नहीं बोल सकते हो, किसी चैप्टर को एकदम छोड़ भी नहीं सकते, तो हर चैप्टर से आपको करना है। बट ये है कि रिफ्लेक्शन में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जहाँ पर मिसकंसेप्शन जनरेट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एक एक चीज क्लियर करना है। आज मैं अभी डीपीपी डाल दे रहा हूँ, आप डीपीपी सॉल्व कीजिए। और रिफ्लेक्शन का लगभग कहानी खत्म हो चुका है, जो बच्चों ने किए हैं मुझे फीडबैक आया सर अच्छे से हो गया है, डीपीपी सॉल्व कर दिया है, कुछ लोगों ने डाउट भी हमसे पूछ लिया है, तो लगभग हो गया है, तो रिफ्लेक्शन का कहानी खत्म हो गया है। अब रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ना है, हालांकि आपने कल के लेक्चर देख लिए होंगे, आज क्वेश्चन कर लीजिए और फिर आप डीपीपी कर लीजिए, तो थोड़े कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो गए, चैप्टर पे कमांड आ जाए, क्योंकि अब हमको टाइम नहीं मिला, प्रोबेबल होगा तो 10 दिन होगा एग्जाम नीट का, तो टाइम नहीं है, तो अभी जो अभी जितनी बार जितना पढ़ सकता है रिफ्लेक्शन को पढ़ ले, लेकिन अभी इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए अभी पढ़ाई कर लो। और बाकी अगर तुमको कुछ भी समझ में आता है, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ से, तो प्लीज आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है, थैंक यू।